हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप पास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों टीवी सीरियल बालवीर तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों इस टीवी सीरियल को काफी लोगों ने पसंद भी किया। हालांकि ये टीवी शो अब बंद हो चुका है, लेकिन इसके कलाकार आज भी लोगों को याद है। आज हम बात करने वाले हैं इस टीवी सीरियल की भयंकर परी के बारे में, जो रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश है। उससे पहले दोस्तों टीवी सीरियल बालवीर के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको बता दें कि इस टीवी सीरियल में भयंकर परी का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री का असली नाम शमा सिकंदर है और ये अपने ग्लैमरस अवतार के लिए जानी जाती हैं। शमा का जन्म साल 1981 में राजस्थान के मकराना में हुआ था। शमा जब 2 साल की थी तो उनका परिवार मुंबई आ गया। शमा के परिवार में पेरेंट्स के अलावा 2 भाई और 1 बहन भी है। उन्होंने साल 1998 में आई फिल्म प्रेम आंगन से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद उन्होंने मन अंश द डेडली पार्ट जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद वो फिल्मों से दूर हो गई। शमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मकराना और मुंबई से की। बाद में उन्होंने मुंबई का एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और वहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शमा के भाई ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे मुंबई आए तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनके घर में खाने तक के लिए भी खाना नहीं होता था। शमा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, साथ ही उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और कुछ फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने फिल्म प्रेम आंगन, मन और अंश जैसी फिल्में की, लेकिन फिल्मों में जब सफलता नहीं मिली तो वे टीवी की तरफ चली गई, जिसके बाद शमा ने ये मेरी लाइफ है, सेवन और बालवीर जैसे टीवी शोज में काम किया। हालांकि शमा कुछ समय पहले तब चर्चाओं में आई जब उनकी शॉर्ट फिल्म सेक्सोहॉलिक रिलीज हुई। ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध भरी है, कई बार अंदर से उतनी ही खोखली होती है। दरअसल साल 2016 में शमा सिकंदर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अपनी जिंदगी से ऊबकर उन्होंने सुसाइड करने का फैसला लिया और 2011 में उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी थी। इस बीमारी से वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि बार बार खुदकुशी करने की सोचने लगी। एक रात उन्होंने सोते वक्त नींद की गोलियां जरूरत से ज्यादा खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। शमा ने बताया कि वो अपनी माँ के पास गई और उन्हें किस कर गुड नाइट बोला। फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगली सुबह मुझे मत उठाना। शमा ने अपनी बैंक डिटेल्स भी भाई को दे दी, जिससे कि उनका भाई परेशान हुआ। उसने तुरंत माँ को कॉल किया और कहा कि शमा को जाकर देखो। इसके बाद माँ ने आकर उन्हें देखा और फिर जब 3 घंटे के बाद होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बाद में इलाज के बाद शमा इस बीमारी से ठीक हुई। जनवरी 2016 में शमा सिकंदर ने जेम्स नाम के एक शख्स से सगाई की थी। सगाई की कुछ फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। शमा इन फोटोज में पहचान में नहीं आ रही थी और उन्होंने सर्जरी कर अपना लुक बदल दिया है। हालांकि इस पर अभी तक कोई बात वो नहीं कही, लेकिन शमा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें डालती रहती हैं। तो दोस्तों आपको शमा कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।